बलौदाबाजार जिले में शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी जन्म स्थली सोनाखान पहुंचकर उनके वंशजों के घर में मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उनके वंशज राजेंद्र सिंह दीवान, नरेंद्र सिंह दीवान, कीर्ति कुंवर दीवान, जीराबाई सहित अन्य वंशजों से मिलकर परिवार के बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद वीर नारायण सिंह की वीरता को नमन करते हुए जिला कलेक्टर भवन में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा लगाने की बात कही। शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों को 10,000 रुपए पेंशन के रूप में देने की घोषणा की। सोनाखान के कुरुपाट में आने जाने का रास्ता निर्माण करने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। किसानों की रकबा कम होने की शिकायत पर कलेक्टर को भौतिक जांच कर रकबा शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। बारदाना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, धान खरीदी को प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार ने मांगे गए बारदाने से कम दिए हैं। धान बोनस का 4वां किस्त मार्च में देने की बात कही। इस अवसर पर शिक्षा और आदिम जाति कल्याण मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया सहित और अधिकारीगण, साथ ही बलौदाबाजार जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता व भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। जनता टाइम्स न्यूज के लिए बलौदाबाजार से जगजीवन नारंगी की रिपोर्ट।